नमस्ते बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो चैप्टर है हमारा, जो पेपर है उसमें अगला जो चैप्टर हमारा है वो है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स को हम हिंदी में संचयी अभिलेख भी कहते हैं, संचयी अभिलेख, और संकलित आलेख भी बोलते हैं। संचयी अभिलेख, संकलित आलेख या संकलित आलेख पत्र भी बोलते हैं। तो आइए आज जो हम लोग बात करेंगे, हम इन सब बिंदुओं पर में बात करेंगे। संकलित आलेख में हम लोग उसके मीनिंग को जानेंगे, उसके डिफिनेशंस को जानेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे, उसके यूजेज और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स के जो प्रारूप हैं, उसके जो फॉर्मेट हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पूरा वीडियो दो भागों में बटा होगा। पहले भाग में आप मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, बाकी के सारे तथ्य आपको दूसरे वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मीनिंग के बारे में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एज ए काउंसलर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे संबंधित सारी सूचनाओं को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों के द्वारा अनेक प्रकार के टूल्स बनाए गए हैं, अनेक प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं हमारे सामने में, जिनको हम यूज़ करके या जिनको हम उपयोग में ला करके विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी क्रम में एक आता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? एक साक्षात्कार देखा, प्रश्नावली देखी, शिड्यूल देखा, अनुसूची देखा, उसके साथ साथ हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स देखा, जिसको हम लोग वृत्तांत अभिलेख कहते हैं, और उसी क्रम में आज हमारा दूसरा जो प्रकरण है वो है संचयी आलेख या संचयी अभिलेख। तो बच्चों, संचयी अभिलेख है क्या? संचयी अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि यह छात्रों, जैसे हम लोग विद्यालय में क्या करते हैं, आपको पता होगा, हम विद्यालय में छात्रों के संबंध में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रगति अभिलेख द्वारा छात्रों के संबंध में प्रगति की जानकारी हमें दी जाती है। आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, आपके आसपास पड़ोस के विद्यालय में बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे। जब विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और जब रिजल्ट आता है तो आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। वो जो रिपोर्ट कार्ड है उसको पूर्ण रूप से संकलित आलेख नहीं कह सकते, लेकिन वह भी एक प्रकार का कम्युलेटिव रिकॉर्ड ही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन केवल कुछ ही इन्फॉर्मेशन के आधार पर में हम उस रिपोर्ट कार्ड को संकलित आलेख नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें बच्चों के संबंध में, किसी छात्र के संबंध में कुछ स्पेसिफिक पक्षों के बारे में जानकारी हमें दी जाती है कि छात्र एक्टिव कैसा है, छात्र का CCA पार्टिसिपेशन कैसा है, या छात्र का एडजस्टमेंट कैसा है, या छात्र डिसिप्लिन उसका कितना अच्छा है। कुछ ही मतलब विशेष जो जानकारी है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो इसी का जो बड़ा प्रारूप है, कहने का मतलब यह, यदि छात्र की अन्य विशेषताओं को भी हम उस रिपोर्ट कार्ड में डाल दें, अन्य विशेषताओं को भी हम उस आलेख में डाल दें, उस रिकॉर्ड में डाल दें, और उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग संगठित करके उस आलेख पत्र में डालें, तो वह आलेख जो होता है वही संचयी अभिलेख कहा जाता है। संचयी अभिलेख के मीनिंग के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मीनिंग, कहा गया कि जो ये संचयी अभिलेख है, इसका जो आरंभ है वो 1930 से स्टार्ट हुआ, 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, और यह तब हुआ जब से निर्देशन की सेवा को बढ़ाया जाने लगा, यानी गाइडेंस सर्विस को जब बढ़ाया जाने लगा तो उसी दौरान जो है संकलित आलेख पत्र को या संचयी अभिलेख को हम लोग प्रयोग में लाने लगे। तो संचयी अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि यह अभिलेख छात्र के संबंध में
विशेष एवं संपूर्ण अभिलेख है। देखिए लाइन को समझिएगा, क्योंकि मीनिंग के लिए आपको लाइन को अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो समझिए लाइन को क्या कहा गया है। कहा गया है कि संचयी अभिलेख छात्र के संबंध में विशेष एवं संपूर्ण अभिलेख है, जिसमें उसके संबंध में कुछ आधारभूत सूचनाएं, तथ्यों, घटनाओं, उपलब्धियों तथा विशेषताओं से संबंधित सभी सूचनाओं को संचयी क्रम में अंकित किया जाता है। इन इंग्लिश द कम्युनिटिव रिकॉर्ड इज ए स्पेशल एंड कंप्लीट रिकॉर्ड इन रिलेशन टू द स्टूडेंट इन विच सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिम ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फैक्ट्स इवेंट्स अचीवमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आर नंबर्ड इन कम्युलेटिव ऑर्डर। मतलब यह वैसा अभिलेख है जिसमें हम छात्र के संबंध में विशेष और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम छात्र के संबंध में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। छात्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में हम जान सकते हैं, उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, उससे जुड़ी हुई अचीवमेंट्स के बारे में जान सकते हैं और उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं, और इन सब चीज़ों को हम एक विशेष क्रम में सजा करके उस रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसे हम संचयी अभिलेख कहते हैं। दूसरा मीनिंग समझिए कि विद्यालय में प्रायः छात्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाता है, जिन्हें हम संचयी अभिलेख कहते हैं। इस संचयी अभिलेख में छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उनकी रुचियां एवं व्यक्तित्व संबंधी सभी सूचनाओं का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। इन इंग्लिश इन स्कूल वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स इज ऑफ्टन कलेक्टेड इन ए फॉर्म कॉल्ड कम्युनिटिव रिकॉर्ड। इन दिस ए डिटेल्ड आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस एजुकेशनल प्रोग्रेस क्वालिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वर्क यानी प्रैक्टिकल वर्क पार्टिसिपेशन इन सीसीए एक्टिविटीज देयर इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी एक्सेट्रा इज प्रेजेंटेड। मतलब छात्र से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से मेंटेन करते हैं, और ये जो रिकॉर्ड है यही रिकॉर्ड संचयी अभिलेख कहलाता है। इसमें ऊपर में जो मीनिंग दिया गया उससे अलग, इसमें छात्र के अटेंडेंस की बात हुई, छात्र के सीसीए पार्टिसिपेशंस की बात हुई, छात्र के इंटरेस्ट की बात हुई, छात्र के पर्सनालिटी से संबंधित बात हुई, क्वालिफिकेशन की बात हुई। मतलब ओवरऑल कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो इसमें छूट रहा है, सारी चीज़ें आ गई। तो इस प्रकार के जो वेरियस इन्फॉर्मेशन है विभिन्न फील्ड में, चाहे उससे पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ हो, इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, सीसीए पार्टिसिपेशन से जुड़ा हो, जितने भी प्रकार के फील्ड हैं, सारे चीज़ों के बारे में विस्तृत सूचना जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से हम कम्युनिटिव रिकॉर्ड में पाते हैं। तीसरा मीनिंग समझिए, संचयी अभिलेख किसी छात्र की प्रगति को जानने, किसी छात्र की प्रगति डेवलपमेंट को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इसमें विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई सभी सूचनाएं शामिल होती हैं जो विद्यार्थी के बारे में वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्रदान करता है। इन इंग्लिश द कम्युलेटिव रिकॉर्ड प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल इन नोइंग एंड असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स लाइफ विच प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। मतलब छात्र की प्रगति, छात्र का डेवलपमेंट कैसा है, छात्र का इम्प्रूवमेंट कैसा है, प्रवेश से लेकर के स्कूल छोड़ने तक का इम्प्रूवमेंट कैसा है, यानी इस आलेख के माध्यम से, इस संचयी अभिलेख के माध्यम से, कम्युलेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से हम छात्रों की प्रगति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये और मूल्यांकन कैसा है, डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं,
मूल्यांकन कैसा, वस्तुनिष्ठ वे में, ऑब्जेक्टिव तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। आइए हम लोग डिफिनीशन की चर्चा करें। तीन डिफिनीशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानते हैं कि ये तीनों डिफिनीशंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे WD Allen। WD Allen क्या कहता है? वो कहते हैं कि संचयी आलेख में छात्र के व्यक्तिगत आकलन से संबंधित सभी सूचनाओं का अभिलेख होता है। इन इंग्लिश द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन कंसर्न विथ अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल पीपल। मतलब एक ऐसा आलेख, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें छात्र के व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो बच्चों के अप्रेजल हैं, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, उन सारे इन्फॉर्मेशन से संबंधित या सारे प्रकार के सूचनाओं से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत जानकारी जितनी भी प्रकार की हैं, वो पारिवारिक हो सकती हैं, वो सामाजिक हो सकती हैं, वो मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं, वो शैक्षिक हो सकती हैं, वो एटीट्यूड हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ हम लोग उस आलेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसी को हम संचयी आलेख कहते हैं, ऐसा WD Allen ने कहा। दूसरी परिभाषा हम देखें, मुरे थॉमस कहता है कि संचयी अभिलेख या आलेख किसी छात्र के संबंध में लंबी अवधि में एकत्रित की गई संपूर्ण सूचनाएं होती हैं। यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया, लंबी अवधि में, ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है ये एक दिन की बात नहीं है, इसको लंबे समय में हम कलेक्ट करते हैं। इन इंग्लिश क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट ऑफ हिज लॉन्ग पीरियड। लंबी अवधि में समय लगता है इसको कलेक्ट करने में, साथ ही साथ इसमें संपूर्ण सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। दो छोटा छोटा परिभाषा। तीसरी परिभाषा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो परिभाषा है जोन्स का। जोन्स ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में काफ़ी परिभाषाएँ दी हैं, इसमें भी उन्होंने परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि संचित अभिलेख, देखिए संचित अभिलेख भी आया है एक शब्द, संचित, संकलित और संचयी। वो कहते हैं कि संचित अभिलेख वह स्थायी अभिलेख है, यहाँ देखिए अंडरलाइन करिए, स्थायी अभिलेख है, परमानेंट रिकॉर्ड, स्थायी अभिलेख होता है जिसे छात्रों के द्वारा पूर्ण करके रखा जाता है। यह उसकी विद्यालय की उपलब्धियों, उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण, अंक और अन्य सूचनाओं का शैक्षिक इतिहास होता है। दो बातें इसमें आई, एक तो स्थायी अभिलेख होता है संचयी, और दूसरा यह बच्चों का शैक्षिक इतिहास है, शैक्षिक इतिहास के बारे में बताता है। इन इंग्लिश क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिकॉर्ड विच इज केप्ट कंप्लीट बाय द स्टूडेंट्स, इट इज द एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ हिज स्कूल्स अचीवमेंट्स, अटेंडेंस, हेल्थ, टेस्ट मार्क्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। दो बातें जोन्स के परिभाषाओं को याद रखेंगे तो दो बातें कि संचयी अभिलेख एक स्थायी अभिलेख होता है जो छात्रों के द्वारा, छात्रों के माध्यम से, क्योंकि वो छात्र से संबंधित सूचना है तो छात्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है, और यह विद्यालय, और यह उस छात्र की विद्यालय की उपलब्धियों को दर्शाता है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, उसका हेल्थ कैसा है, उसमें उसके द्वारा जो भी टेस्ट लिए जाते हैं छात्रों के ऊपर, उसमें उसका मार्क्स कैसा मिलता है उसको, उसके अंक कैसे दिए जाते हैं या किस प्रकार का उसका स्कोर है, और अन्य प्रकार के सभी सूचनाओं को उसमें डाला जाता है। इसीलिए उसने कह दिया है कि यह एक प्रकार का एजुकेशनल हिस्ट्री है, यह छात्र का शैक्षिक इतिहास को बताता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीन डिफिनीशंस के बारे में हम लोगों ने जाना। यही हम कह सकते हैं कि संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है। बहुत अच्छा जोन्स ने परिभाषा दिया, जो उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद नापसंद, समायोजन, शौक समझ रहे हैं ना, एवं व्यक्तित्व आदि की सूचना रखता है। लास्टली दस इट कैन बी सेड दैट द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज एक्चुअली द एकेडमिक हिस्ट्री या एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ ए स्टूडेंट हु कीप्स ट्रैक ऑफ हिज एजुकेशनल अचीवमेंट, अटेंडेंस, इंटेलिजेंस, हेल्थ, कैरेक्टर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एडजस्टमेंट, हॉबीज
एंड पर्सनालिटी एट्सेट्रा। ओवरऑल हमने यही समझा संचयी अभिलेख के बारे में कि यह एक ऐसा अभिलेख है जो छात्र के बारे में व्यक्तिगत सूचनाओं को हमें प्रेषित करता है, लेकिन व्यक्तिगत सूचनाओं में सभी प्रकार की सूचना है, चाहे वह उसकी उपलब्धि से संबंधित हो, चाहे वह उसके रुचि से संबंधित हो, चाहे वह उसके अभिवृत्ति से संबंधित हो, एटीट्यूड से संबंधित हो, चाहे वह उसके हेल्थ से संबंधित हो, चाहे वह उसके टेस्ट से संबंधित हो, चाहे वह उसके विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से संबंधित हो, चाहे वह उसके पसंद नापसंद से संबंधित हो, चाहे वह उसके हॉबीज से संबंधित हो, मतलब हर प्रकार की चीज़ों का वर्णन वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से इस आलेख में प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रकार के आलेख को हम लोग क्या कहते हैं? संकलित आलेख, संचयी आलेख या संचित आलेख कहते हैं, राइट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये संचित जो आलेख है या कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता ये है कि संचयी आलेख या अभिलेख सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि सरलता से इससे वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इन इंग्लिश, द कम्युलेटिव रिकॉर्ड इज रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम इट। हम जो भी संचयी आलेख में रिकॉर्ड दर्ज करेंगे वो सभी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम लिखें ताकि सबको सरलता से सूचनाओं को पढ़ा जा सके और उसके अर्थ लगाया जा सके। ऐसा न हो कि ऐसे क्लिष्ट भाषा में लिख दिया गया या कठिन भाषा में लिख दिया गया जो शिक्षक तो जान रहा है लेकिन दूसरा यदि पढ़ा या उसके माता पिता पढ़े या कोई और व्यक्ति पढ़ा तो वह उसके बारे में नहीं जान पाया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। तो एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, संचयी अभिलेख में सूचनाओं का लेखन यानी तथ्यों का लेखन व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन इंग्लिश, द राइटिंग ऑफ फैक्ट्स, राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कम्युलेटिव रिकॉर्ड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल प्रीजुडिसेस बट शुड बी प्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ओनली। मतलब संचयी आलेख को लिखते समय काउंसलर को या टीचर्स को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो हम बच्चों के फेवर में बात करने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसकी निगेटिविटी क्या है। तो आपको फैक्ट्स जो भी समझ में आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो फैक्ट्स के आधार पर में ही आप सूचनाओं को अपने आलेख में डालें। तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से हमेशा बचना चाहिए और जो भी चीज़ बच्चों में दिखता है ऑब्जेक्टिवली वो हमें कलेक्ट करके उन सारी सूचनाओं को इसमें डालनी चाहिए। तीसरा कैरेक्टर क्या है? तीसरा कैरेक्टर है कि संचयी अभिलेख में उल्लेखित सूचनाओं की वैधता के लिए यह जरूरी है कि सत्य सूचनाएं ही इसमें लिखी जाएं। देखिए, वैधता तभी वैध है जब आप सही सही सारी सूचनाओं को आप इस रिकॉर्ड में डालेंगे। वैधता के बारे में बहुत सारे डिस्कस हम लोगों ने पिछले वीडियोस में किए हुए हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं जिस उद्देश्य से आपने किसी प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं या किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपके सारे उद्देश्यों की यदि प्राप्ति होती जाती है या हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन वैलिड हैं। तो आप सत्य सूचनाओं को डालें, असत्य सूचनाओं को नहीं डालें, तभी आपका कम्युनिटी रिकॉर्ड जो है वो वैध होगा, वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। चौथा, संचयी अभिलेख में छात्र से संबंधित सभी सूचनाओं का प्रवेश किसी एक शिक्षक के मूल्यांकन के आधार पर नहीं करना चाहिए बल्कि विभिन्न शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर ही की जानी चाहिए और इसमें निरंतरता का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई, यानी किसी एक शिक्षक के द्वारा किया गया मूल्यांकन के आधार पर ही कोई सूचनाओं का प्रवेश उस आलेख में नहीं हो बल्कि सभी शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर ही सूचनाओं का प्रवेश उस संचयी आलेख में होना चाहिए। आप डिस्कशन कर लें बच्चों के बारे में
बच्चों की राय, बच्चों के बारे में सभी शिक्षकों से राय ले लें, सुझाव ले लें या उनकी ओपिनियन ले लें कि आपको आपका ओपिनियन इस बच्चे के संदर्भ में क्या है। क्योंकि जिस क्लास में जो टीचर्स जाता है, जिस क्लास में जो हमारे जो शिक्षक हैं वो जाते हैं, उन सबको पता होता है कि इस बच्चे में क्या कमी है या इस बच्चे में क्या विशेषताएँ हैं। तो आप सारे शिक्षकों से डिस्कशन करें, सारे शिक्षकों के ओपिनियन ले लें, तभी जा करके आप उस कम्युनिटी रिकॉर्ड में सारी चीज़ों को रखें। इन इंग्लिश, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द कम्युनिटी रिकॉर्ड शुड बी इंटर्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ वन टीचर बट ऑन द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट टीचर्स एंड कंटिन्यूटी शुड बी टेकन केयर इट। देखिए, आपने शिक्षकों से भी राय मशवरा ले लिया, खुद भी राय मशवरा किया और उस आधार पर संचयी आलेख बनाए, लेकिन यह संचयी आलेख निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूटी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि जो सूचनाएं आज आप प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कल उससे संबंधित सूचनाओं जो आप प्राप्त करेंगे उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, परसों कुछ करेंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। क्योंकि बच्चे में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता है बच्चा, जो कमी आज आप देख रहे हैं हो सकता है वो कल कमी दूर हो जाए, या जो अच्छाई आज आप बच्चों में देख रहे हैं कल हो सकता है वही बुराई में परिवर्तित हो जाए। तो आज क्या है और कल क्या है या परसों क्या होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र आप ये कर सकते हैं कि आप निरंतरता को ध्यान में रखिए, पर डे ऑब्जर्वेशन करते रहिए बच्चों का, तब उसके आधार पर में आप संचयी अभिलेख तैयार करें। पाँचवा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। संचयी अभिलेखन का लेखन विद्यालय में छात्र के प्रवेश के साथ ही हो जाना चाहिए, यानी एडमिशन के समय में ही यह स्टार्ट हो जाना चाहिए, तथा इसमें नियमित रूप से सूचनाएं संकलित की जानी चाहिए, नियमित रूप से, समझ रहे हैं ना। द कम्युनिटी रिकॉर्ड शुड बी रिटेन विथ द एडमिशन ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड रेगुलरली इन इट। मतलब हम कम्युनिटी रिकॉर्ड लिखना कब से प्रारंभ करें, जैसे ही छात्र ने विद्यालय में प्रवेश लिया उसके बाद से आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, साथ ही साथ इसको रेगुलरली लिखिए, रेगुलरली इसको ऑब्जर्व करते हुए पॉइंट्स नोट करते चले जाइए और लिखते चले जाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपको रिकॉर्ड बनाने में सुविधा होगी। छठा, संचयी अभिलेख में एक बार सूचनाओं के प्रविष्ट होने के बाद कार्य समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन करके नई नई सूचनाएं जोड़ी जा सकें। इन इंग्लिश, वंस द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इन द कम्युनिटी रिकॉर्ड द वर्क डज नॉट एंड बट इंस्टीड इट शुड बी इवेल्युएटेड पीरियडिकली सो दैट न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी एडिड टू इट। मतलब हम अभिलेख में जब एक बार सूचना डाल देते हैं तो हम यह माने नहीं, या हमको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि हमको यह मानकर चलना चाहिए कि हमें बार बार इसका मूल्यांकन करते रहना है, और साथ ही साथ मूल्यांकन के आधार पर जो नई नई सूचनाएं हमें प्राप्त होती चली जा रही हैं, नया नया इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती चली जा रही हैं, उन सारी सूचनाओं को हम लोग उसमें डालते चले जाए, तभी रियलिस्टिक कम्युनिटी रिकॉर्ड बन पाएगा। नेक्स्ट देखिए, सातवां, संचयी अभिलेख में प्रयुक्त की गई शब्दावली एवं संकेतों का अर्थ दूसरों को भी स्पष्ट होना चाहिए। इन इंग्लिश, द मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी एंड साइंस यूज्ड इन द कम्युलेटिव रिकॉर्ड शुड आल्सो बी क्लियर टू अदर्स। मतलब आप जितने भी प्रकार की सूचनाओं को उसमें डालें या शब्दावलियों का प्रयोग करें, याद रखें, या संकेतों का प्रयोग करें वो याद रखें, दूसरों को भी समझ में आनी चाहिए, मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए, नहीं तो केवल आपके जानने से क्या होगा, सबको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग आपको करना है। आठवां करेक्टरिस्टिक्स देखिए, और लास्ट, संचयी अभिलेख का रखरखाव अत्यंत सावधानी पूर्वक करें, तथा जो व्यक्ति इसमें अधिकारी हों या इसके रिस्पॉन्सिबल हों उन्हीं के पहुँच में वो रहना चाहिए। इन इंग्लिश, द कम्युलेटिव रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड वेरी केयरफुली एंड शुड बी एसेसिबल टू द पर्सन हु इज इट्स इन चार्ज। सावधानी पूर्वक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वह बच्चे के पर्टिकुलर इंडिविजुअली बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, उस रिकॉर्ड को पढ़ लेने मात्र से हम बच्चे के सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं,
तो उसको सावधानी पूर्वक एकदम केयर रख करके रखना है उसको। और साथ ही साथ जो व्यक्ति उसके रिस्पॉन्सिबल हैं या जो उसके इंचार्ज हैं संकलित आलेख पत्र को रखने के लिए, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए, ताकि हमें कभी भी समय या जिस समय प्रिंसिपल हमसे मांग दें या कोई टीचर मांगे कि ठीक है इस बच्चे का हमें ये रिकॉर्ड देखना है थोड़ा सा हमको दिखाइए, तो तुरंत जो है उसको दिया जा सके, बहुत संभाल करके रखने की ज़रूरत है। तो ये था संकलित आलेख पत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के बारे में जाना हम लोगों ने। अब हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। संकलित आलेख पत्र लिखने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग कम्युनिटिव रिकॉर्ड, देखिए जब हम लिखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। संकलित आलेख में विवरण भली प्रकार से क्रमबद्ध होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। द डिटेल्स शुड बी वेल सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन लिखें उसमें सिक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। सिक्वेंस के बारे में जब हम लोग फॉर्मेट बताएंगे अगले वीडियो में तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि पहले क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है। तो हमें सिक्वेंस का ध्यान रखना है और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। दूसरा, सभी विवरण विद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार ही तैयार होना चाहिए। ऑल डिटेल्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल। स्कूल चाहता क्या है, एक विद्यालय विद्यार्थी से कितनी प्रकार की अपेक्षाएं रखता है, या हम विद्यालय में पढ़ते तो हैं, एक बच्चा विद्यालय में पढ़ता तो है, लेकिन एक विद्यालय का उद्देश्य होता है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे में हमें ये विशेषताएं आनी चाहिए या ये गुण होना चाहिए। तो विद्यालय का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए और उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर में सभी विवरण जो है कम्युनिटी रिकॉर्ड में डालना चाहिए। तीसरा, संचयी अभिलेख संबंधी कार्ड निर्माण, क्योंकि संचयी अभिलेख जो बनाते हैं उसका कार्ड होता है, उसको टाइप करवाना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, कार्ड थोड़ा सा कड़े होता है, कड़ा मतलब थोड़ा हार्ड होता है, और कार्ड के आधार पर जो है हम जब बनाते हैं उसको तो उसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो संचयी अभिलेख संबंधी कार्ड निर्माण के समय छात्र से संबंधित सभी पक्षों की सूचनाओं का बिंदुवार उल्लेख होना चाहिए। आप सब समझते हैं, इन इंग्लिश व्हाइल मेकिंग द कार्ड रिलेटेड टू द कम्युनिटी रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पार्टीज रिलेटेड टू द स्टूडेंट शुड बी मेंशनड इन पॉइंट ऑफ टाइम। छात्र से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं वह बिंदुवार उल्लेख होना चाहिए, है ना, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा चौथा, देखिए संचयी अभिलेख के कार्ड निर्माण, देखिए कार्ड की बात जहाँ तक आती है तो कार्ड में एक पेज का भी कार्ड हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, चार पेज का भी हो सकता है, एक आगे फिर पीछे, एक आगे फिर पीछे, इस प्रकार से भी बनता है, पाँच छः पेज का भी होता है। जितने डेप्थ में जाएंगे उतनी प्रकार की सूचनाओं को आप लिखते चले जाएंगे, बशर्ते कि उसका उस विद्यालय से संबंध हो, छात्र से संबंध हो, छात्र उसके माध्यम से छात्र से संबंधित सारी सूचनाओं के बारे में पता चलता हो, ऐसा ना हो कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिले। वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो छात्र से संबंधित हो, ये छात्र के बारे में बतलाता हो। तो इस आधार पर में हमें कार्ड के माध्यम से संकलित आलेख पत्र तैयार करवाने चाहिए। कहा गया है संचयी आलेख के समय या कार्ड बनाते समय अन्य अध्यापकों का भी सहयोग लेना चाहिए। सपोर्ट ऑफ देयर टीचर्स, अदर टीचर्स शुड ऑल्सो बी ऑब्टेंड एट द टाइम ऑफ कार्ड क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी रिकॉर्ड। अध्यापकों का सहयोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप शिक्षकों के बीच में जब डिस्कशन कर लेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के बारे में समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति को हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल जाए या छात्र से संबंधित क्या क्या सूचनाएँ हो सकती हैं, 7 पॉइंट लिखा 10 पॉइंट भूल गया, या 4 पॉइंट लिखा 3 पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, या क्या लिखें ना लिखें, ये जो उधेड़बुन की स्थिति होती है, यदि आप टीचरों के बीच में बैठ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर को बैठा लेंगे तो सभी टीचर अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो अपना सजेशन दे सकते हैं कि इस कार्ड में इन इन प्रकार की सूचनाओं को रखना चाहिए। पाँचवा है, संचयी अभिलेख के कार्ड निर्माण के बाद इसे किसी सुविधायुक्त एवं सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। After making the card of the cumulative record, it should be kept in a convenient and safe place. स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ा अभिलेख है
यदि हम कार्ड छपवाते हैं कितना टाइम लगेगा, बहुत प्रकार की सूचनाएं उसमें रहती हैं, उसको पहले हम सुरक्षित रखें, जैसे जैसे उपयोग में लाते जाएँ उसको हमें दूसरे व्यक्ति को दें जो उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेगा, फिर वो सूचनाएं प्राप्त करने के बाद वो कार्ड हम फिर सुरक्षित स्थान पर रख दें। मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अधिक दिनों तक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सूचनाएं लंबे दिनों में प्राप्त होती है। आपने देखा ना, एक जो था परिभाषा मुरे थॉमस ने क्या कहा था कि लंबी अवधि में एकत्र की जाती है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है उस संकलित आलेख को भरने में, तो हमें उसको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेंगे कहीं भूल जाएंगे या फट जाएगा या इधर उधर हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। छठा, संचयी अभिलेख के कार्य निर्माण के बाद इसका मैनुअल भी तैयार। मैनुअल मतलब नियम से संबंधित जानकारी। हम यदि मैनुअल की बात करें, पहले इसका इंग्लिश समझ लें, ए मैनुअल शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज क्रिएटेड फॉर द रिकॉर्ड। मतलब मैनुअल, हमने कार्ड बना लिया क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से संबंधित, अब हमको आता ही नहीं है कि हम उस कार्ड में जो सूचनाएं दी गई हैं जिसको हमें कलेक्ट करना है उसको करना कैसे है, फिल कैसे करना है, उसको भरना कैसे है, फॉर्मेट को तैयार कैसे करना है। तो इसके लिए एक मैनुअल बनाना चाहिए, एक नियमावली का निर्माण करना चाहिए ताकि पढ़ करके वो कार्ड को फुलफिल किया जा सके। यदि मैनुअल पढ़ते हैं और नहीं समझ में आता है तो आप सीनियर टीचर्स से पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं या मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। इस आधार पर में हम डिफरेंट प्रकार के अप्रोचेज लगा सकते हैं ताकि हम उन सब चीज़ों को आसानी से उसमें डाल सकें। तो बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि संकलित आलेख पत्र में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है उसको हम दो तीन नामों से जानते हैं, संचयी, संकलित, संचित, याद रखिएगा, लेकिन अंग्रेजी में वही है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। आज हम लोगों ने उसके मीनिंग के बारे में जाना, डिफिनीशंस के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और उसको लिखने के विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, सिद्धांत के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम संकलित आलेख किससे संबंधित, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, उसकी उपयोगिताओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तब तक आप इसको देखिए और अगले वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से दी जाएगी। धन्यवाद।